नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे जदयू और बीजेपी में चल रहे गतिरोध के बारे में। बिहार की सियासत में उठा पटक जारी है। बिहार में सरकार के गठन के साथ ही राजनीतिक उठा पटक देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार एनडीए में लंबे समय तक शीत युद्ध देखने को मिला। जदयू और बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार गलत बयानबाजी करते दिखे। इतना ही नहीं, इस प्रकरण पर राजद और महागठबंधन के साथियों ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब बिहार में एनडीए की सरकार नहीं चलेगी, बहुत जल्द ही यह सरकार गिर जाएगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने तो खुले तौर पर यह कह दिया था कि सरकार मार्च के महीने में गिर जाएगी, लेकिन दो महीने के लंबे इंतजार के बाद बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ और इसमें मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही पार्टी के अंदर टूट फूट की खबरों पर तो विराम लगा हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से पार्टी यानी कि एनडीए में टूट की बात मीडिया की सुर्खियां बनती रही है। बिहार में बीजेपी और जदयू के संबंधों के लेकर सिवान जिले के पूर्व विधायक और चर्चित जदयू नेता श्याम बहादुर सिंह ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जदयू का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। उन्होंने इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव में धोखा दिया है। श्याम बहादुर सिंह जदयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उसी समय मंच पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भी मौजूद थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में महागठबंधन टूट जाएगी। श्याम बहादुर सिंह के भाषण के बाद किसी ने इस बात का खंडन भी नहीं किया। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा पर भरोसा नहीं है। भाजपा के चलते ही विधानसभा चुनाव में उन्हें और दूसरे कई जदयू उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जदयू कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करें ताकि बिहार में पार्टी अपने दम पर खड़ी हो सके। गौरतलब है कि श्याम बहादुर सिंह अपने कारनामों और बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनका स्टेज पर डांसरों के साथ नाच करने वाला वीडियो लोगों को कई बार देखा है। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी के सिवान जिला अध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में अपने सहयोगी दल को धोखा नहीं दिया है। भाजपा कार्यकर्ता ने पूरी तरह से गठबंधन धर्म का पालन किया। उन्होंने यह भी कहा कि जदयू नेता की बात को पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुंचाया जाएगा। इस पर पार्टी के बड़े नेता ही कुछ बयान दे सकते हैं। इस पूरे मामले पर बल तब और मिलने लगा जब कुछ दिन पहले बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यह कह दिया कि यह सच है कि बिहार सरकार के कार्यक्रमों में हम नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब बिहार सरकार के कार्यक्रमों में नीतियों और उसके कामकाज पर बीजेपी का असर नहीं दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री का यह बयान इस मामले में अहम माना जा रहा है कि बिहार में संख्या बल के आधार पर भले ही बीजेपी जदयू से बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार में के विभागों में मिले बजट को देखते हुए भाजपा अभी जदयू से पीछे है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग जैसे अहम और बड़े बजट वाले विभाग जदयू के पास हैं। इन स्थिति में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी सरकार पर बीजेपी का असर न होने की चर्चा लगातार होती रही है। यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं के मन के अंदर उपज रही इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। पहले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान आया था, इसके बाद अब श्याम बहादुर सिंह का बयान आया है। इन दोनों बयानों के बाद से इस बात को बल मिल रहा है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं की नाराजगी किस हद तक जाती है और कितना जायज है। बिहार और बिहार के जुड़े हुए और भी ऐसी पॉलिटिकल किस्सों और कहानियों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।